हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज SBIPO मेंस 2019 में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पैसेज है और इसके थ्रू आपको एक आइडिया लगेगा कि IBPS PO मेंस का जो एग्ज़ाम है नवंबर में, उसमें किस तरीके के पैसेज आ सकते हैं। पैसेज देखिए, एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है बैंक पीओ मेन्स एग्जाम का। आपसे चार या पांच पैसेज डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको SBIPO मेन्स का पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा पार्ट बाई पार्ट, तो इससे डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी IBPS PO मेन्स एग्जाम को सॉल्व करने में। तो चलिए देखते हैं इस पैसेज को कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मली ये जो पैसेज लिए जाते हैं, या तो आपको ये मिलेंगे हिंदू में से या आपको मिलेंगे इकोनॉमिक टाइम्स में से। तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है इन पैसेज को करने के लिए, और मेंस एग्ज़ाम में आप चार या पांच पैसेज मान सकते हैं। डेफिनेटली इतने पैसेज आपको मिलेंगे और बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो फिलर्स के हो सकते हैं, आपके पैराजम्पल के हो सकते हैं और आपके फ्रेजल वर्ब्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि IBPS PO मेंस में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको पढ़ता हूँ। इन एन अर्लियर कॉलम ऑन व्हाट इंडिया नीड्स टू डू टू बिकम अ प्रॉपर स्पेस पावर, आई आर्ग्यूड दैट वी मस्ट रैम्प अप बोथ आर कैपेसिटी टू यूज स्पेस एंड आर कैपेसिटी टू डिनाई आर एडवर्सरीज द रिलायबल यूज ऑफ स्पेस। देखिए, ये किसी एडिटोरियल में से लिया गया है पैसेज, क्योंकि इसमें ये एक किसी एक पर्सन का स्टेटमेंट है। वहाँ यहाँ पर ये व्यक्ति बोल रहा है, इन आर अर्लियर कॉलम, मैंने अपने अर्लियर कॉलम में ये कहा था, यानी कोई कॉलम लिख रहा है, किसी राइटर या किसी ऑथर का लिखा हुआ ये पैसेज है। ठीक है, इसमें से एग्जाम में दे दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि एडिटोरियल कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन एन अर्लियर कॉलम ऑन व्हाट इंडिया नीड्स टू डू टू बिकम अ प्रॉपर स्पेस पावर, आई आर्ग्यूड दैट वी मस्ट रैम्प अप बोथ आर कैपेसिटी टू यूज स्पेस एंड आर कैपेसिटी टू डिनाई आर एडवर्सरीज द रिलायबल यूज ऑफ स्पेस। मतलब हम एक सुपर पावर कैसे बन सकते हैं, हम स्पेस में एक पावर कैसे बन सकते हैं, ये मैंने आर्ग्यू किया था। और मैंने ये कहा था कि हमें रैम्प अप करना चाहिए, रैम्प अप का मतलब हमें इंक्रीज करना चाहिए हमारी कैपेसिटी को, मतलब हमारी खुद की कैपेसिटी जिसमें हम स्पेस को यूज कर सकें, और हमारी ऐसी कैपेसिटी जिसमें हम हमारे जो एडवर्सरीज हैं उनको हम अपने स्पेस में उसका रिलायबल यूज ना करने दें। तो दोनों ही कैपेसिटी हमें अपनी इंक्रीज करनी है, हम स्पेस को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करें और हमारे जो राइवल्स हैं उनको हम अपना स्पेस यूज नहीं करने दें। तो ये दोनों ही चीजें हमें इंप्रूव करनी होंगी। अदर स्पेस फेयरिंग नेशंस, स्पेस फेयरिंग नेशंस मतलब जो स्पेस में अच्छा कर रहे हैं, चाइना है, US है, ठीक है। अदर स्पेस फेयरिंग नेशंस आर इन्वेस्टिंग गुड मनी इन बोथ दीज, इन दोनों ही चीज़ों में, इन दोनों ही फील्ड्स में दूसरी जो कंट्रीज हैं वो अच्छा अच्छा इन्वेस्ट कर रही हैं, विद द बल्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट गोइंग इन टू इन्हेंसिंग देयर कैपेसिटी टू यूज स्पेस। वॉट इज स्ट्राइकिंग अबाउट देयर अप्रोच कंपेयर टू आर्स, मतलब यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पर हम डिफरेंस बता रहे हैं कि जो दूसरी कंट्रीज हैं, जो स्पेस फेयरिंग कंट्रीज हैं, उनकी अप्रोच में और हमारी अप्रोच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, व्हाट इज स्ट्राइकिंग अबाउट देयर अप्रोच कंपेयर टू आर्स इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द कमर्शियल यूज ऑफ स्पेस। यानी ये दूसरी कंट्रीज हैं, जैसे US है, चाइना है, या दूसरी कंट्रीज हैं, उनकी अप्रोच में हमारी अप्रोच में ये डिफरेंस है कि उनकी कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है, हमारी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है स्पेस रिसर्च में। हमारी कंट्री में तो केवल इसरो है, जैसे इंडिया में, जैसे 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 US में नासा है, वैसे इंडिया में इसरो है, तो पूरा काम इसरो करता है। जबकि ऑथर क्या कह रहा है, ऑथर ये कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें लाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर दूसरी कंट्रीज में ज़्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इट इज़ आयरोनिक दैट इंडिया हुज स्पेस फेयरिंग ट्रेडिशन इज डिसाइडेडली इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज लैगिंग इन हार्नेसिंग द पावर ऑफ प्राइवेट इनोवेशन इन द स्पेस डोमेन। इसमें भी यही बात बोली जा रही है कि एक तरफ हमारा जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है।
This not only limits the exploitation of space for economic development, but has serious national security implications. देखिए नेशनल सिक्योरिटी में भी हम स्पेस को यूज़ करते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी हम स्पेस को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ये इसके इफ़ेक्ट बताए जा रहे हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर को यूज़ नहीं कर रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज को हम स्पेस रिसर्च के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इससे इसके इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं. This not only limit the exploitation of space for economic development, but has serious national security implications. Implication मतलब consequences या उसके effect. The most basic way to secure our space capabilities to distribute them across many different satellite and spacecraft so that business continuity is unaffected. इसमें author ये बोल रहा है कि हमें काफ़ी सारे satellite रखने चाहिए space में. इसका 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 फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि यदि हम अपनी कैपेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो जैसे 10 सैटेलाइट हैं, एक सैटेलाइट डिसेबल कर दिया किसी हमारे राइवल ने या ख़राब हो गया, तो दूसरे सैटेलाइट चलते रहेंगे, तो इससे हमारी जो बिजनेस कंटिन्यूटी है वो अनअफेक्टेड रहेगी. ठीक है, इवन इफ एन एडवर्सरी मैनेजेस टू डिसेबल वन और मोर ऑफ आर सैटेलाइट. ठीक है, यही इसका मतलब है. द मोर क्रिटिकल, अब देखिए, द मोर क्रिटिकल द फंक्शन द मोर द डाइवर्सिटी रिक्वायर्ड. जितने क्रिटिकल फंक्शंस चाहिए उतनी ही डाइवर्सिटी भी चाहिए हमको स्पेस रिसर्च में, ये यहाँ पर बोला जा रहा है. द यूएस इज हाईली वल्नरेबल. वल्नरेबल का क्या मतलब है कि जिसको आसानी से अटैक किया जा सके उसको हम बोलते हैं वल्नरेबल. ठीक है, द यूएस इज हाईली वल्नरेबल इन स्पेस बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ इट्स सैटेलाइट्स. US काफ़ी वल्नरेबल है, अटैक किया जा सकता है उस पर, क्योंकि इसके थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट हैं. लेकिन यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस भी बोला जा रहा है, वो क्या बोला जा रहा है? बट इट इज़ ऑल्सो बेस्ट इक्विप्ड टू डील विद ए पोटेंशियल अटैक ऑन इट्स स्पेस असेट्स. इसकी स्पेस असेट पर यदि कोई अटैक करता है तो ये उसको बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड कर सकता है US, बिकॉज इट कैन फाइंड ऑल्टरनेटिव्स टू स्विच टू. Definitely, क्योंकि US तो एक सुपर पावर है, तो उसके पास तो काफ़ी अल्टरनेटिव्स होंगे. फर्दर मोर विद प्राइवेट US फर्म्स सेट टू पुट थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट इन टू ऑर्बिट इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर इट्स सिक्योरिटी इन स्पेस विल इम्प्रूव. और अभी क्या कर रहे हैं कि अभी काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनीज भी US में आ रही हैं जो तैयार हैं, जो सेट हैं हजारों सैटेलाइट्स को स्पेस में छोड़ने के लिए, तो इससे इसकी US की पावर और फर्दर इम्प्रूव होगी. देखिए किस तरीके से मैं एक एक लाइन का मीनिंग आपको बता रहा हूँ, तो ऐसे आपको एग्जाम में करना है, थोड़ा तेजी से पढ़ना है और इन्फर करते हुए जाना है, उसको कंक्लूड करना है. सिमिलरली चाइना इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इट्स एक्टिव स्पेस असेट्स थ्रू मैसिव पब्लिक इन्वेस्टमेंट एज वेल एज ओपनिंग इट्स स्काई टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स. मतलब यहाँ पर मेन जो पॉइंट है वो यही बोला जा रहा है कि US एंड चाइना में प्राइवेट कंपनीज भी इन्वॉल्व हो रही हैं स्पेस रिसर्च में, इंडिया में केवल इसरो है जो कि इस पर काम कर रहा है. इन दिस न्यू स्पेस इकोनॉमी इंडिया इज प्लेइंग विद वन हैंड टाइड फर्मली बिहाइंड इट्स बैक. वन हैंड का मतलब क्या, इंडिया एक हाथ से खेल रहा है, एक हाथ से खेल रहा है कि केवल इंडिया के पास केवल इसरो है, दूसरे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, केवल इसरो इस पर काम कर रहा है. तो यही इस फ्रेज का मतलब है कि इंडिया इज प्लेइंग विद वन हैंड टाइड फर्मली बिहाइंड इट्स बैक. ठीक है, यही इसका मतलब है. While the Indian Space Research Organization is continuing on a successful path, there is no one at the private sector end of the business. एक एंड पे इसरो बैठा हुआ है लेकिन दूसरे एंड पे इसमें कोई नहीं है, ये इसमें बोला जा रहा है. So we must deregulate the space sector and create an environment for private industry to service India's commercial and strategic needs and perhaps become a global space technology hub. तो ये एक ऑथर ने बोला है, ऑथर का मेन पॉइंट यही है कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चंस हैं. एज पर द पैसेज हाउ कैन इंडिया फाइट अगेंस्ट द वल्नरेबिलिटी इन द स्पेस. स्पेस में जो वल्नरेबिलिटी है उससे इंडिया कैसे फाइट कर सकता है. देखिए यहां पर देखते हैं, इंडिया कैन टेक हेल्प फ्रॉम नासा. नासा का तो इसमें कोई मेंशन ही नहीं आया है. इंडिया कैन डिसेंट्रलाइज इट स्पेस कैपेबिलिटी अमंग वेरियस सैटेलाइट. ये बोला गया है इसमें कि इंडिया अपने अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज कर सकता है, काफ़ी सारे सैटेलाइट में वो डिवाइड कर सकता है और इस तरीके से अपनी बिजनेस कंटिन्यूटी को बना सकता है. तो डेफिनेटली यहाँ पर इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, वो होगा आपका
बी। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, ज़्यादा टफ नहीं है। और सेम ऐसे ही पैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं IBPS PO मेंस में नवंबर में जो एग्जाम होगा। यहाँ पर आप देखिए, एज पर द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डिपिक्ट्स द मीनिंग ऑफ द फ्रेज प्लेइंग विद वन हैंड टाइड बिहाइंड वन बैक। मतलब इंडिया केवल एक हाथ से खेल रहा है, एक हाथ उसका पीछे अच्छे तरीके से बंधा हुआ है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब यदि लॉजिकली इसका मतलब निकाले तो इंडिया अपने पूरे रिसोर्सेस को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, केवल वो इसरो की मदद से खेल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर एक्चुअली होगा यहां पर इन दिस न्यू स्पेस इकोनॉमी। देखिए ये फ्रेज भी इस्तेमाल हुआ है पैसेज में, इन द न्यू स्पेस इकोनॉमी इंडिया इज नॉट यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज दैट इट हैज। तो डी इसमें आपका सही आंसर होगा। इन द न्यू स्पेस इकोनॉमी इंडिया इज प्लेइंग वेरी इजीली एंड नॉट पेइंग अटेंशन। हालांकि ये आंसर भी थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन आंसर के आसपास है, ये आंसर के आसपास है, ये इसका सही आंसर है। डी इसमें सही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एज पर द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू। देखिए मेंस एग्जाम में, बैंक पीओ मेंस एग्जाम में 4 या 5 पैसेज आएंगे, पैसेज लंबे होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे। इसमें आपका आंसर होगा ये वाला, इंडिया नीड्स टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी टू यूज स्पेस एंड शुड ट्राई टू डिनाई इट्स नेमेसिस। नेमेसिस होते हैं आपके राइवल्स, ठीक है, द रिलायबल यूज ऑफ स्पेस। तो ये तो इसमें कहा गया है। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड सी, तो ए को हम पढ़ लेते हैं, द गवर्नमेंट इज रेजिंग इसरोज बजट, तो ऐसा तो कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। तो इसमें आंसर ए और सी ना होते हुए केवल सी होगा। ये इस तरह के जो ऑप्शंस देते हैं, ये प्रेशर क्रिएट करने के लिए देते हैं, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको देता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देखिए कि इसरो के बजट की तो पैसेज में कोई बात नहीं हुई है, इसलिए ये आंसर इसमें नहीं होगा। इसमें आंसर होगा केवल आपका, केवल और केवल सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज। इन्फर मतलब क्या कंक्लूड किया जा सकता है पैसेज से। अब देखिए इसरो हैज बर्न्ड मोर मिडनाइट ऑयल, नहीं इसका कोई मेंशन नहीं है। इसरो सक्सेस शोज दैट द पब, नहीं ये भी मेंशन नहीं है। द कंट्री मो, हाँ देखिए ये है, डीरेगुलेशन की बात हुई है इसमें, तो कंट्रीज मस्ट डीरेगुलेट द स्पेस सेक्टर, डीरेगुलेशन की बात हुई है कि प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए ये स्पेस सेक्टर, तो डेफिनेटली सी इसमें आपका आंसर होगा। देखिए नन ऑफ दीज का भी एक ऑप्शन दिया है, तो नन ऑफ दीज भी हो सकता है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से पैसेज को पढ़ना है। तो एक पैसेज है, 4 इसमें क्वेश्चन दिए हैं, तो इस तरीके से इन पैसेजेस को आपको करना है। और आगे की जो पैसेजेज हैं मैं इस चैनल पर, इंग्लिश एडवांटेज चैनल पर अपलोड करूँगा, इनको भी आप जरूर देखें। और IBPS PO मेंस की इससे आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करें, और वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है रीडिंग। वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मेरी साइट पर जा सकते हैं englishiq.in। यहाँ पर मैं वोकेबलरी के अलग अलग ब्लॉक्स लिख रहा हूँ, जो करेंट वोकेबलरी पूछी जा रही है उसके 3 पार्ट मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुका हूँ, जिसमें 100-100 वर्ड हैं करेंट वोकेबलरी के, और डिस्क्रिप्टिव वे में वोकेबलरी को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो इससे डेफिनेटली बहुत आपको हेल्प मिलेगी। इस साइट पर आप जरूर जाएँ, विजिट करें साइट को englishiq.in, और यहाँ से आप वोकेबलरी की ई बुक्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और करेंट वोकेबलरी को आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप ज़रूर देखें। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।